चार सालों में जिस तरीके से ये रघुवर दास ये प्रवासी मुख्यमंत्री ने इस राज्य को छला है और ठगा है वो इतिहास बन गया है। आज इसलिए अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए, अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए, अब अपने अधिकार की लड़ाई के लिए संघर्ष यात्रा हम लोगों ने निकाला है। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर अभी चंद दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इन लोगों ने आकर के मंडल डैम का आधारशिला रखा है, शिलान्यास किया है। और आपको हम इसमें बता दें, वो डैम बनेगा और उस डैम का पूरा पानी बिहार में जाएगा। यहाँ के किसानों के छाती से गुजरता हुआ वो पानी बिहार के खेत को लहलाएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री का करतूत है। इसलिए आदरणीय गुरु जी ने फिर से अलग राज का जो संघर्ष जीता है, इस राज्य के विकास के लिए, एक और संघर्ष के लिए हम लोगों ने संकल्प किया है। इस राज्य में हम लोगों का शासन होगा, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का शासन होगा और नौजवान का शासन होगा, ताकि हम लोग अपना विकास अपने हाथों से कर पाए और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पहचानना होगा। और आने वाले समय में यह संकल्प लेना होगा कि गाँव में भारतीय जनता पार्टी का एक भी आदमी घुस ना पाए, ताकि आपकी एकता अखंडता बनी रहे, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं करते।